हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। ठीक है, और तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी का, शायद आप लोगों को पता भी होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आज उसी सेटअप पे बात करने वाले हैं। और जी हाँ, ये बैंक निफ्टी का ये सेटअप है और मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए, और बहुत ही अच्छा ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आज का जो डेट है, आज का जो डेट है, यहीं से चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आज का ही मार्केट स्टार्ट कर देते हैं 16 तारीख। ठीक है, ये अपना आ गया यहाँ पे 16 तारीख, मार्केट यहाँ पे अपना ओपन होता है यहाँ पे 9:15 में। ठीक है, 9:15 में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। तो चलिए पहले सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो सेटअप है ना, तो प्रीवियस डे का हाई और लो और क्लोज को मार्क कर लेना है। और जो हम लोग टाइम फ्रेम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे ना, वो अपना एक टाइम फ्रेम यहाँ पे है 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक चार्ट जैसा मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ पे क्या होगा ना, कि यहाँ पे देखिए अपना हाई है, या तो मार्केट ऊपर से आएगा, ठीक है, या तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, यही तो कंडीशन हो सकता है, और तो कुछ नहीं कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस डे का अपना हाई लो क्लोज को मार्क कर देना, तो अपना ये प्रीवियस डे पे अगर मार्केट ऊपर से अगर आ रहा है, तो यहाँ पे एक हाई होगा, यहाँ पे एक लो होगा, और यहाँ पे एक मार्केट क्लोज होगा। ठीक है, तो सेटअप अपना ये है ना, कि अगर मार्केट अगर यहीं पे अगर फ्लैट अगर मार्केट ओपन अगर ओपन हो रहा है और मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस पे आ रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे एंट्री कर देना है, आप लोगों को ऑर्डर वहाँ पंच कर देना है। ठीक है, ऑर्डर पंच कर देना है, और टारगेट आप लोग मिनिमम वहाँ से, अगर आप लोग टारगेट देखोगे तो कोई भी आप लोग स्विंग देख लेना, वहाँ पे वो टारगेट वहाँ पे देख के जाएगा। मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कि आप लोग टारगेट कितना लोगे। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अपना सेटअप यही है, अपना सेटअप यही है, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज। ठीक है, तो हाई हो गया ये, लो हो गया ये, क्लोज हो गया। अगर मार्केट अगर गैप अप अगर हो ओपन हो गया, मान लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप हो गया और यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप ये देखो, आप ये यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपना ये रेजिस्टेंस भी तो है ना, ये अपना रेजिस्टेंस भी तो है। अगर यहीं पे मार्केट अगर यहाँ ओपन अगर हो रहा है और इसे अगर ब्रेक करने जा रहा है, तो ये प्रीवियस अपना रेजिस्टेंस भी तो हो गया ना, तो आपको तो एक और कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो आपको सोचिए ये कितना अच्छा ये यहाँ पे ये है, कि आपको यहाँ पे एकदम कन्फर्म ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिला और ये ब्रेक किया, कोई प्रीवियस आप यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ले सकते हो, प्रीवियस यहाँ पे जरूर कोई यहाँ पे हाई होगा उसका, यहाँ पे ये रहा टारगेट। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग के पास अगर मार्केट यहाँ पे अगर आ रहा है और उसे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रीवियस डे का जरूर यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं पे जरूर स्विंग होगा आपका, वो हो जाएगा टारगेट, या तो फिर लो पे टारगेट आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर लो पे टारगेट आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना यहाँ पे, कि मार्केट ऊपर से आया, ठीक है, और मार्केट ऊपर से आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और आने के बाद मान लीजिए कि मार्केट यहीं पे क्लोज कर दिया, यहीं पे मार्केट क्लोज कर दिया, और ये तो अपना ये अपना हाई और यहीं पे अपना लो। तो आप देखो जब यहाँ पे मार्केट जब क्लोज किया, तो एक तरह से तो मार्केट यहीं सपोर्ट पे ना क्लोज कर दिया, तो आप सोचो कि आपको कितना यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, क्लोजिंग भी यहीं पे है आपका, यहाँ पे आपका सपोर्ट भी यहीं पे, और लो भी यहाँ है। तो जब ये यहाँ पे 5-10 मिनट अगर मार्केट अगर रुक जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट मार्केट अगर होल्ड कर देगा और अगर ब्रेकआउट करेगा, तो सीधे आपका जो प्रीवियस जो सपोर्ट रहेगा, जो भी प्रीवियस सपोर्ट रहेगा, वो आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये आप समझो, बहुत ही अच्छा सेटअप है ये। तो ऊपर के लिए तो अपना ये सेटअप हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन हुआ और यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप लोग इस सेटअप पे आराम से आ जाना, ले लेना, ताकि आपका यहाँ रहा सपोर्ट। ठीक है, और मार्केट इसको ब्रेक करेगा, और आप लोग जैसे मार्केट अगर लो को ब्रेक कर रहा होगा, आप लोगों का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट जो रहेगा, प्रीवियस सपोर्ट रहेगा, वो आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे जरूर प्रीवियस यहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे स्विंग जरूर यहाँ पे होगा, वही आपका टारगेट निकल के आएगा।
यहाँ पे सेम मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर मार्केट गैप अप हुआ, अगर मार्केट अगर नीचे से जा रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट अगर होल्ड कर रहा है और इस हाई को निकाल रहा है, तो ये तो अपने सेटअप पे भी अपना आ गया, ठीक है, प्रीवियस डे के सेटअप पे अपना ये मार्केट आ गया, यहाँ पे हाई पे ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस हो गया। आप लोग इजिली ट्रेड ले लेना, टारगेट अपना यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस का यहाँ पे रहेगा वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे वाले के लिए, और यहाँ पे देखिए मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, लो से ऊपर जा रहा है तो हाई पे आ गया। मान लिया कि मार्केट इस हाई पे ओपन हो रहा है, ठीक है, और ओपन होने के बाद 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप लोग इजिली टारगेट यहाँ पे इजिली आप लोग ट्रेड ले लेना, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ना कोई यहाँ पे स्विंग होगा, वही आपका टारगेट निकल के आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है और इस हाई जो भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वीक भी रहा ना, तो अगर वीक को अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो आप लोग इजिली आप लोग ब्रेक आउट पे ट्रेड ले लेना। और जो भी इसका जो प्रीवियस यहाँ पे जो भी अगर क्या कि ये हाई है, तो प्रीवियस अपना रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो भी अपना निकल के आएगा वो आपका टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे क्लोज के पास अगर ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज के पास आ रहा है, जैसे मार्केट क्लोजिंग पे आया और क्लोजिंग का पहला जो भी कैंडल रहेगा, जो लास्ट का पहला जो क्लोजिंग कैंडल रहेगा, फुल कैंडल अगर मान लीजिए कि ग्रीन है, अगर मान लीजिए कि ग्रीन है तो नीचे से ओपन हो रहा है, ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि रेड है तो ऊपर से होके नीचे क्लोज कर रहा है, तो उस कैंडल को अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना, ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो आप लोग आराम से ट्रेड ले लेना। जो भी यहाँ पे अगर प्रीवियस अगर जो भी यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला एरिया होगा, चाहे कोई भी स्विंग होगा, आपका वो टारगेट आ जाएगा, ठीक है। और ये अपना लो, अगर मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है इस लो पे और यहाँ पे लो पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है और इस लो को जैसे ब्रेक करेगा ना, तो आप लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड ले लेना और आपका टारगेट यहाँ पे है ना, प्रीवियस अपना टारगेट जो भी अपना यहाँ पे स्विंग रहेगा वो अपना आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी का सेटअप है, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज। अब चलिए चार्ट पे आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ, और आज का जो डेट है वो है 16 मार्च, तो आज का ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज कितना अच्छा ये सेटअप वर्क किया है, ठीक है। तो चलिए अपना आ गया सेटअप पे, और ये रहा अपना 9:15 का कैंडल, और मार्केट देखिए क्लोजिंग भी यही है और अपना लो भी यहीं पे है, ठीक है। और जैसे मार्केट अगर ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग पे आया, आप लोग इजीली यहाँ पे ट्रेड लिए, और देखिए यहाँ पे इसका टारगेट कितना आया, ठीक है। और इसका टारगेट बहुत ही अच्छा आया होगा, देखिए यहाँ पे मैंने इस पे खुद ट्रेड लिया था और मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी किया है इस पे। और अभी तो मैं ज़ीरोधा यहाँ पे खोल के नहीं रखा हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता, लेकिन फिर भी मैं चलिए आप लोगों को यहाँ पे फ़ोन पे ही दिखा देता हूँ मेरा आज का प्रॉफिट कितना है 16 मार्च का, आज का जो 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 आज मतलब कि एक्सपायरी आज जो हुआ है ना। तो देखिए अराउंड यहाँ पे देखिए मेरा 2.5K का यहाँ पे प्रॉफिट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए अपना ये जो मैंने जो बताया था ना कि ये जो लो जो रहा अपना, तो ये तो अपना सपोर्ट भी हो गया ना, सपोर्ट हो गया यहाँ पे, और सपोर्ट हुआ और मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया और ये रहा अपना टारगेट। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। तो ये अपना हो गया। आप सोचो कि अगर आप लोगों को ऐसा ही ट्रेड अगर मिल जाए एक दो ही, तो कितना अच्छा आप लोग का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेट है यहाँ पे 15 मार्च का, प्रीवियस डे का, ठीक है। 15 मार्च है, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, और ये देखिए अपना यहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ पे, क्लोजिंग पे मार्केट ब्रेकडाउन दिया, और ये अपना लो भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर थोड़ा कर देते हैं। हाँ, ये अपना लो भी है, यहाँ से आपका एंट्री बन गया, आप लोगों का पहला टारगेट ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग लो भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, लो भी ये ब्रेक कर रहा है, सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा ये टारगेट दे रहा है आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ से अगर इंडेक्स पे 50-60 पॉइंट भी अगर ले रहे हो ना, तो बहुत ही मतलब आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो आप लोगों को देखो छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखना है, बहुत बड़ा मतलब नहीं मतलब देखना है, बहुत ज़्यादा आप चार्ट पे लगा लोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हल्के छोटे क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, ठीक है,
रिस्क मैनेजमेंट अपना आप लोग देख लो, और बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। मैं क्या ही बोलूँ इस सेटअप के बारे में, तो बैंक निफ्टी का ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है, आप जाके बैक टेस्ट कर लेना। बहुत ही मैं आप लोगों को, अगर मैं ज़्यादा बैक टेस्ट करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देख लिए, यहाँ पर 13 मार्च का यहाँ पर देख लिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, और इस सब ये सपोर्ट लिया अपना, ये सपोर्ट हुआ, और ये देखिए अपना क्लोजिंग को ऊपर जैसे ब्रेकआउट दिया, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला वन वे आप लोगों को, यहाँ पे 150 पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मिला, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर मार्केट देखिए ऊपर से यहाँ पे ये, अगर मतलब आप लोग बस सेटअप ये देखो, आगे का जो भी चार्ट का ज्ञान होगा मैं आप लोगों को दूंगा, बस ये सेटअप आप लोग अपने डायरी में नोट कर लो। अगर छोटे क्वांटिटी से आप लोग ट्रेड करके देखो, बहुत ही अच्छा काम करता है ये, और यहीं पे आप लोग देख लो ना, ये अपना जो लो था, लो को ब्रेक किया मार्केट में, देखिए कितना बड़ा फॉल आया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये, आप लोग इस सेटअप को यूज़ करो, बहुत ही अच्छा सेटअप है ये, क्या ही बोलो। तो अगर दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम मेरा लिंक है, आप लोग इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को वहाँ पे पेपर ट्रेड दे रहा हूँ, कुछ कुछ वहाँ पे जो भी रहता है इंट्राडे में वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब आ रहे हो स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस बाइंग में, तो कुछ चार्ट का ज्ञान आप लोग ले लो, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो, अच्छा लगे तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान यहाँ पे लेके आओ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।